करेंगे डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स की. डायबिटीज के रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाइबल है और नॉन मॉडिफाइबल. मॉडिफाइबल में लाइफस्टाइल फैक्टर, जैसे आपका वजन बहुत ज़्यादा है या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आपका डाइट ठीक नहीं है, तो उसके बारे में आप कुछ कर सकते हैं तो रिस्क डायबिटीज का कम हो सकता है. नॉन मॉडिफाइबल में आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके घर में आपके माँ बाप को, भाई बहन को शुगर हो तो रिस्क है कि आपको भी शुगर होगा, या आपकी उम्र 45 से ज़्यादा तो आपको भी ज़्यादा रिस्क है डायबिटीज होने का. इसके अलावा मॉडिफाइबल में अगर आपका वज़न ज़्यादा हो तो आप अपना वज़न कम करें, अगर आपका डाइट ठीक नहीं है तो आप अपना डाइट ठीक कीजिए, और अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, आप वॉक एक्सरसाइज करें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा आप ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, अगर आप उस पर भी ध्यान दें, उसको भी कम करें, तो रिस्क डायबिटीज़ का बहुत कम हो जाता है. अब महिलाओं में जब उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान शुगर लेवल्स बढ़ जाती हैं तो उनका भी एक बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है आगे जाके शुगर होने का. इसके अलावा जब हमें एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो शुगर लेवल्स बढ़ सकती हैं. सो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखें और इन पर वर्क करें तो शुगर लेवल्स कम हो सकते हैं. और अगर आप लोगों को ऐसी कोई भी रिस्क फैक्टर हो तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें तो इसे शुगर होने से बचा सकते हैं.